नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। बालाजी साउंड की तरफ से एक और नया वीडियो लेके मैं आ चुका हूं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं, यहां पे आपको 15 और 4 पीस सिंगल वाले बेस के फिटिंग हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूं कि कौन सा स्पीकर आपको डाल के मिलने वाला है ड्यूल 15 में। तो यहां पे आपको जैसे कि देखने को मिलता है JBL का आपको 400 वाट देखने को मिल रहा होगा। दोस्तों सही सुना आपने, JBL का CSLF 150 400 मॉडल आज मैं फिट करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ये जैसे कि आप 8 पीस स्पीकर देख रहे होंगे। और दोस्तों बेस की बात करूँ तो बेस में जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बीटा 4 का फिटिंग हो रहा है। यहाँ पे आपको बीटा 4 का स्पीकर देखने को मिलता है, जो कि आपका LD18B मॉडल में आपको फिटिंग हो रहा है। तो चलिए आपको पूरा फिटिंग के बाद में दिखाऊंगा कि कैसे फिटिंग होता है। और टॉप के बारे में आपको स्पीकर तो मैंने दिखा दिया, यहाँ पे आप कैबिनेट देखोगे टॉप का, तो यहाँ पे आपको JBL का 725 का मॉडल देखने को मिलता है, जो कि आपका प्लास्टिक पेंट में आता है दोस्तों, SRX 75। यहाँ पे एक स्क्वायर वाला मॉडल भी आने वाला है, तो देखते कौन सा फिटिंग होता है, वो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाते रहूँगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर। सो जैसा कि दोस्तों आप इस वीडियो को देखोगे तो यहाँ पे आपको बीटा 4 का 1500 वाट का स्पीकर देखने को मिलता है दोस्तों। दोस्तों ये मॉडल नंबर है दोस्तों PD1850N मॉडल नंबर। साथ में आपको JBL का 400 वाट जो कि ड्यूल 15 में फिटिंग होने वाला है, वो भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसमें जैसे कि आप सबसे पहले देख पा रहे हो, यहाँ पर रिवर्स मॉडल के 18B के कैबिनेट्स के ढक्कन खोले जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये वाला कैबिनेट रिवर्स है और ये वाइब्रेशन और हार्ट पंच में बहुत ही ज़्यादा मतलब रेगुलर यूज़ किया जाता है बहुत सारे साउंड वाले के थ्रू। तो ये वाला सेटअप में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी का आपको साउंड निकाल के देने वाला है दोस्तों। अगर आप कंपटीशन लेवल का सेटअप यूज़ करना चाहते हो तो ये वाला कैबिनेट आप ज़रूर से लेना। बीटा 4 का दोस्तों आपको स्पीकर की मैं खास बात बताऊँ तो इसमें आपको 5 इंच का वॉइस कॉल देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी का वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है दोस्तों, जो कि कंपटीशन लेवल का डीजे सेटअप में बहुत ही ज़रूरी है। साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको इसकी अनबॉक्सिंग की जाए तो यहाँ पे आपको डब्बा फटने के बाद आपको जैसे कि स्पीकर दिखेगा, तो स्पीकर पूरा ब्लैक कलर का होता है दोस्तों, जिसे ब्लैक बीस्ट भी बोला जाता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 5 इंच का कॉयल इसमें रहेगा दोस्तों, और इसकी जो क्वालिटी है दोस्तों बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है दोस्तों। इसमें पंच और वाइब्रेशन दोनों है, ये बात का आप एकदम ध्यान रखना। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो अपने डीजे सेटअप के लिए तो बहुत ही बढ़िया चॉइस होगी आप लोगों के लिए। तो जैसा कि इसका आपने मॉडल नंबर मैंने बता दिया, PD1850N मॉडल नंबर है दोस्तों। और दोस्तों अगर ये वीडियो आप पूरा देखो, क्योंकि अगर आप कभी भी डीजे सेटअप परचेस करते हो या फिर फिटिंग करवा रहे हो तो ये वीडियो में आपको पूरा टेस्टिंग दिया गया है दोस्तों, और फिटिंग के बारे में भी एक एक बारीक चीज़ मैंने दिखाने की पूरी कोशिश की है। जैसा कि अब आप इसे क्लोज लुक जैसा कि आप देख रहे होगे, स्पीकर बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का दिख रहा है। तो लास्ट में जब आप टेस्टिंग सुनोगे इसका, तब आपको उम्मीद है बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर कैबिनेट की बात करूँ तो कैबिनेट हमारा 5 साल फुल वारंटी वाला आता है दोस्तों, और कैबिनेट में बहुत ही अच्छा तरीका से ये स्पीकर रिस्पॉन्स करता है। ये वाले कैबिनेट में 4.5 इंच से 5 इंच का जो स्पीकर होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स देता है दोस्तों, अगर आप कंपटीशन लेवल का डीजे सेटअप तैयार करवा रहे हो तो। ये जो हमारे कस्टमर थे उनका 4 बेस था और 2 डबल 15 था, जिसमें उन्होंने अपने 1500 वाट के बीटा 4 को असेंबल करवाया था और JBL का 400 वाट का ड्यूल 15 में असेंबल करवाया था दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको लास्ट में टेस्टिंग देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे आपको ड्यूल 15 का जो फिटिंग होगा वो आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। उससे पहले आपको यहाँ बेस में कुछ फिटिंग आप देख लो कि कैसे इसमें स्क्रूप कसा जाता है दोस्तों। और दोस्तों प्लाई की क्वालिटी की बात करूँ तो प्लाई बहुत ही ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी का होता है हमारे शॉप का, जो कि आपको 19mm वाटरप्रूफ प्लाई रहता है दोस्तों, जो कि आपको 5 साल की फुल वारंटी के साथ आता है। अब जैसा कि आप थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ पे आपको असेंबल होता हुआ दिखेगा ये वाला सेटअप। साथ में दोस्तों अब ड्यूल 15 की नेटवर्क और ट्यूटर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको ATI प्रो का नेटवर्क देखने को मिलता है दोस्तों, जो कि प्योर कॉपर का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है दोस्तों आपको 15 में, जो कि आपका बहुत ही ट्यूटर का जो साउंड होता है बहुत ही ज़्यादा क्लियरिफाई करता है और कटने से भी बचाता है दोस्तों। ATI प्रो भी एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है दोस्तों, इंडिया में इंडियन DJ मार्केट में चल रहा है दोस्तों, और आप इस पर जा सकते हो अगर आपको इसका भी प्रोडक्ट्स परचेस करना है तो। बहुत ही अच्छा क्वालिटी का ट्रस्टवर्दी ब्रांड है दोस्तों। ट्यूटर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको ट्यूटर देखने को मिलता है दोस्तों, 60 वॉट का ट्यूटर है जिसको हम 450 भी बोलते हैं ATI प्रो का।
तो दोस्तों इस क्वालिटी में आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है अपने डीजे सेटअप पे। अब जैसा कि कुछ इस तरह दिखता है दोस्तों फिटिंग होने के बाद रिवर्स के कैबिनेट्स में, और यहाँ पे एलंकी भी लग चुकी है, ऊपर में ढक्कन भी बंद हो गया है दोस्तों। तो अब हम थोड़ी देर में बढ़ेंगे अपने ड्यूल 15 के फिटिंग की तरफ। सो जैसा कि दोस्तों अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको JBL का SRX 725 मॉडल देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। ये स्क्वायर मॉडल भैया लोगों ने चूज किया है, जो कि आपको बांधने में बहुत ही ज़्यादा इजी पड़ेगा दोस्तों। आप कभी भी बेल्ट बांध सकते हो इसमें एकदम आराम से, और कहीं भी खड़ा कर सकते हो। अब तो चलिए आपको JBL का 400 वाट का मैं अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इसको प्लास्टिक से रैप करके कंपनी भेजता है, उसके ऊपर आपको रस्सी रहता है, फिर उसमें आपको कार्टून को काटा जाता है दोस्तों। अब कार्टून के अंदर चलिए देखते कैसा स्पीकर देखने को मिलता है। तो दोस्तों जैसा कि आप स्पीकर देखोगे, तो यहाँ पे आपको स्पीकर खोलने के बाद सबसे पहले JBL का ऊपर ब्रांड लोगो दिखता है, फिर उसके बाद साइड में ब्रांड लोगो है, और दोस्तों इसकी चेसिस भी बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की देखने को मिल रही है दोस्तों। हीट वेंटिलेशन का इसमें पूरा ध्यान रखा गया है कंपनी के साइड से, कि आपको हीटिंग प्रॉब्लम इस वाले स्पीकर में ना हो। तो चलिए अब हम जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे अब आपका स्पीकर को कैबिनेट में जैसे कि बैठाने की प्रोसेस चल रही है दोस्तों, और यहाँ पे आपको पूरा वायरिंग अंदर से कैबिनेट में कर दिया गया है, और अब इसमें स्पीकर बैठाया जा रहा है। अब दोस्तों देखोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लोज लुक, तो पेपर क्वालिटी JBL की बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम आती है दोस्तों। और यहाँ पे आपको मेटल फ्लेयर हमारे साइड से देखने को मिलता है ऑरेंज कलर का, कि आपको कभी भी प्रॉब्लम ना हो हाइस टूटने का दोस्तों अंदर ही अंदर, तो इसलिए हम मेटल वाला आपको फ्लेयर देते हैं। ATI प्रो का इसमें आपको लग चुका है दोस्तों मेटल फ्लेयर में, अब इसे कैबिनेट में फिट किया जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों अब आप आगे देखोगे वीडियो में, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे स्पीकर आपका असेंबल किया जा रहा है, और मेटल फ्लेयर भी साथ में असेंबल हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर आप इतना तो दूर तक आ गए हो तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ मैं बहुत जल्द और लाने वाला हूँ। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा दोस्तों, तो आप इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर से कर देना। तो चलिए दोस्तों अब आगे बने रहिए वीडियो में, और एम्पलीफायर भी दोस्तों, एम्पलीफायर के अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग भी वीडियो के लास्ट में, तो आप इस वीडियो को पूरा बने रहिए। तो जैसा कि दोस्तों अब यहाँ पे अनबॉक्सिंग हो रही है दोस्तों एम्पलीफायर की, तो एम्पलीफायर का मैं नाम बता दूँ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एन लैब्स के साइड से X7 दोस्तों, X7 दोस्तों जो कि एम्पलीफायर है दोस्तों, 7000 वॉट का अप्रॉक्स का पावर हैंडलिंग एम्पलीफायर दोस्तों। यहाँ पे आपको 4 ओम पे देखने को मिलता है 3500 वॉट, और 8 ओम पे देखने को मिलता है 1800 वॉट दोस्तों। तो 5 इंच कॉइल का स्पीकर चलाने के लिए एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन एम्पलीफायर है दोस्तों। यहाँ पे भैया लोग ने 4 स्पीकर वाला बेस चलाने के लिए, जैसे कि सिंगल 18 वाला 4 बेस जो 5-5 इंच का Beta 4 का स्पीकर चलाने के लिए उसे लिया है, और जो ड्यूल 15 होगा दोस्तों वो उसके लिए एम्पलीफायर भैया लोग के पास पहले से था। तो आप अगर कभी भी सेटअप परचेस करोगे तो आप चाहो तो टॉप के लिए अलग से एम्पलीफायर ले सकते हो, अगर आप 8 पीस कैबिनेट वाला सेटअप ले रहे हो तो। तो दोस्तों यहाँ पे एम्पलीफायर में आपको इनबिल्ट क्रॉसओवर देखने को मिलता है, और दोस्तों इसकी जो डंपिंग है वो 1000 की है। तो दोस्तों बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का एम्पलीफायर है। तो चलिए अब टेस्टिंग देखते हैं। तो
दोस्तों यहाँ पे आपको एनलैप्स का X7 के साथ में आपको 6 चैनल का मिक्सर देखने को मिलता है जो कि पेन ड्राइव वाला है स्ट्रेंजर के साइड से दोस्तों। तो ये पूरा सेटअप कुछ इस टाइप का दिखता है दोस्तों, और आप चाहो तो इस एम्पलीफायर से 2 टॉप और 2 बेस भी आराम से यूज कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको ये सेटअप परचेस करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करो, वरना बालाजी साउंड रांची झारखंड आके हमसे ये साउंड परचेस कर सकते हो होलसेल।